आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में हम लोग जो बेस्ट 50 क्वेश्चन मेंसुरेशन का कर रहे थे उसका पार्ट 7 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने बेसिक 3 पार्ट में प्लस जो भी आपका बेस्ट 50 क्वेश्चन का पार्ट 1 से लेके 6 तक ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस सेशन में हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कैसे हम आसानी से सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से लगाना स्टार्ट करेंगे इस सेशन में। क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का, अच्छा देखिए का यहाँ पर नहीं होगा, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, अच्छा नहीं यहाँ पर का सही है, कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः होना चाहिए था। ठीक है, अनुपात क्रमशः 71:61 है। प्लॉट का क्षेत्रफल कितना, 17,324 वर्ग मीटर है। इस प्लॉट की परिधि क्या है आपको बताना है, मतलब आपको गिवन क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दे दिया है। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल भी आपको दे दिया है, तो आपसे पूछा है कि ठीक है प्लॉट की परिधि क्या होगी आपको बताना है। तो देखिए परिधि निकालने के लिए आपको क्या लंबाई और चौड़ाई चाहिए, लेकिन यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का तो अनुपात है, एग्जैक्टली लंबाई और चौड़ाई आपका गिवन है नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई एग्जैक्टली होगा कितना वो निकाल लेते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल आपका गिवन है ना, तो क्षेत्रफल बराबर होता है क्या है, तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू बी। तो मान लेते हैं ना कि आपका जो एल है, ठीक है आपका जो एल है वो कितना है 71x और जो बी है वो 61x। तो हम क्या बोलेंगे 71x इंटू 61x बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका 17324। ठीक है, बस इसको कैंसिल कीजिए। तो देखिए 71 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितने टाइम में, तो देखिए ये जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 71 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 244। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन कर रखा था, तो इतना बार में कैंसिल आपको हो जाएगा। अब 61 से कैंसिल कीजिए तो 61 से कैंसिल हो जाएगा ये 4 टाइम में। ठीक है, तो अब देखिए x इंटू x यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 4, यानी कि हम x बराबर बोल सकते हैं कितना 2। तो x का वैल्यू आपका कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो क्या आप बोल सकते हैं कि जो लंबाई अब कितना हो जाएगा, तो देखिए लंबाई कितना हो जाएगा, पहले कितना था 71x, तो 71x इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 142। ये हो गया आपका क्या लंबाई। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई आपका कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई देखिए 61x था, इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 आपका हो जाएगा 122 है ना, ये क्या हो गया आपका चौड़ाई ब्रेथ। तो बस आपका लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकल गया, तो क्या आप परिधि आपका क्या पूछा है, परिधि है ना, परिधि मतलब क्या वही आपका परिसीमा है ना, तो परिसीमा निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं। परिसीमा का फॉर्मूला होता है 2l + b। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा 2 और l प्लस बी, यानी दोनों को जोड़ लीजिए, एल और बी दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 2 4 4 2 6 और यहाँ पर 2 264। अब 264 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 528। देखिए किस ऑप्शन में है आपका क्या हो जाएगा 528। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, काफ़ी ज़्यादा आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा होने वाला है, वो होगा आपका 32। ठीक, 32 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक वृत्ताकार मैदान के बाहर चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, बाहरी तथा आंतरिक वृत्तों की परिधि का अंतर 66 मीटर है, सड़क की चौड़ाई क्या होगी। काफ़ी ज़्यादा आसान है, देखिए मैं इसको आपको फिगर बना के ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो मान लेते हैं कि ये आपका मैदान वृत्ताकार मैदान, अब इसके बाहर एक रास्ता, इस ढंग का कुछ रास्ता है, तो ये जो रास्ता का चौड़ाई जो है ना आपसे पूछा है कि बताइए इस रास्ते का चौड़ाई एग्जैक्टली कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन का हेल्प लेते हैं, क्वेश्चन से आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि कहा गया बाहरी तथा आंतरिक वृत्तों की परिधि का अंतर कितना 66 मीटर है। तो देखिए अगर आप एक चीज़ समझिए यहाँ पे, अगर आप ये जो पूरा का क्षेत्रफल से, ये जो आपका मैदान का क्षेत्रफल से रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल को घटा देंगे ना, तो जो आपका आय सॉरी ऐसे नहीं आपका चूंकि क्या पूछा है, आपका पूछा है सिर्फ रास्ते का चौड़ाई कितना है, तो रास्ते का चौड़ाई के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका ये वाला जो आपका जो फील्ड है, फील्ड का जो रेडियस होगा, वृत्ताकार जो फील्ड है इसका जो रेडियस होगा, इस रेडियस से, ठीक है इस रेडियस से अगर आप रास्ता सहित जो फील्ड है उसका अगर रेडियस
रेडियस को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रास्ते का चौड़ाई मिल जाएगा। आप ही देखिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब अगर हम इन दोनों को आपस में घटाएंगे, इन दोनों रेडियस को आपस में घटाएंगे तो ये वाला आपका बचेगा और ये आपका क्या होगा, चौड़ाई, है ना। ये तो था कॉन्सेप्ट, चलिए कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए मान लेते कि ये जो रेडियस है ना आपका क्या, ये है आपका आर वन। अब ये जो ये आप रास्ता सही जो है इसका मान लेते हैं आर टू। तो आप इसमें लिखेंगे कैसे, तो देखिए लिखने का ढंग आप आसानी से आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका दिया ना परिधि का अंतर, परिधि बराबर क्या होता है, टू पाई आर। तो पहले लिख लेते जो रास्ता सहित जो है, ठीक है, उसका परिधि क्या हो जाएगा, टू पाई आर। देखिए आर टू, तो आप आर जो है ये वाला जो आर है, आर टू माना था आपने, उससे घटाएंगे क्या, ये जो सिर्फ आपका जो फील्ड है उसका उसका जो परिधि है, तो क्या होता है, टू पाई आर वन। तो दोनों को जब घटाएंगे तो अंतर कितना दिया हुआ है, 66, ठीक है। आगे सॉल्व कर लीजिए इसको, तो जैसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2π, बाकी बचा क्या, R2 - R1 बराबर में कितना, 66। दो से काटे इसको, कट जाएगा कितना बार में, 33 बार में। अब पाई का वैल्यू होता है कितना है, पाई का वैल्यू होता है आपका 22/7, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, अच्छा ये 33 होता है ना, तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, अब इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7/22, मतलब R2 - R1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 33 × 7/22, है ना। तो 22 से देखिए काटिए, 11 से काटिएगा, 11 × 22, 11 × 33, है ना। तो अब देखिए आगे कितना हो जाएगा, तो 7 × 21, 21/2 कितना हो जाएगा आपका, 2 से काटेंगे तो ये एग्जैक्टली कितना, 10.5, है ना। यानी R2 - R1, यानी कि मैंने बोला था रास्ता सहित जो आपका रेडियस होगा, उस फील्ड का जो रेडियस होगा और जो सिर्फ फील्ड का जो रेडियस होगा, ठीक है, दोनों का अंतर क्या होगा, उस रास्ते का चौड़ाई होगा, जो कि कितना निकला आपका, 10.5। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन नंबर था हमारा कितना, 32, और उसका ऑप्शन रहा ये सी नंबर ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस टिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए अगर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 33 नंबर क्वेश्चन, ये रहा। एक पहिए का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर दूरी तय करने में वो कितनी चक्कर लगाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बेसिक से तो क्वेश्चन है। आपको बोला क्या है कि अगर एक पहिए का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वो 44 किलोमीटर जाने में कितना चक्कर लगाएगा। तो देखिए एक चक्कर में टोटल दूरी क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखिए कि एक चक्कर में जब वो एक चक्कर लगाएगा ना, तो उस टोटल कितना दूरी तय करेगा कोई भी पहिया, अपने परिधि के बराबर, उसका जो परिधि होगा, ठीक है, अपने परिधि के बराबर ही वो क्या करता है, डिस्टेंस पूरा करता है। तो एक बार में कितना दूरी तय करेगा, तो निकाल लीजिए इसका परिधि, इस चक्के का, तो कितना हो जाएगा परिधि, देखिए आपका हो जाएगा वृत्त का परिधि बराबर होता है 2π, यानी कि 22/7 गुना आर, आर कितना आपका 7, 7 से 7 कैंसिल, मतलब आपका है कितना 44। तो एक चक्कर में कितना 44 सेंटीमीटर जाएगा, ठीक है, एक चक्कर में कितना आपका 44 सेंटीमीटर जाएगा, उसको जाना कितना है 44 किलोमीटर, तो किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 44 लाख, है ना, तो क्या दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 44 लाख। तो 44 लाख दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा, तो देखिए एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर, तो इतना में कितना, तो बस इसको क्या कीजिए 44 से भाग दीजिए, तो बट्टा में हो जाएगा आपका 44, 44 से काटिए तो हो जाएगा आपका कितना 1, और यहाँ पर 5 × 0, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। तो देखिए अगर जो हमारा अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, 40 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार घास का भूखंड चारों ओर से एक रास्ते से घिरा हुआ है, यदि घास के भूखंड का क्षेत्रफल रास्ते के क्षेत्रफल का 2 गुना हो, ठीक है, तो बोला क्या है। चलिए यहाँ पर देखिए, तो रास्ते की चौड़ाई मीटर में होगी। देखिए क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इजी है ना, लेकिन बस ऑप्शन की वजह से ये थोड़ा सा क्या हो गया, डिफिकल्टी आपको लग सकता है, ठीक है। चलिए फिर भी क्या करता हूँ मैं इसको, वैसे तो सॉल्व मैं करूँगा ही इसको, ठीक है, लेकिन फिलहाल तो इस सेशन के लिए मैं छोड़ता हूँ और आपके ऊपर छोड़ता हूँ, देखते हैं कि कितनों का जो आंसर है वो करेक्ट आ पाता है, ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है, आंसर तो आसानी से लाया जा सकता था अगर ऑप्शन क्या हो, सिंपली जो आपका जो सिंपल नंबर में होता,
लेकिन यहाँ पर रूट्स वगैरह की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्टी है। चल देखता हूँ कितना का आंसर राइट आता है, मैं इसको नहीं करवाने वाला, नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें मैं इस क्वेश्चन को जरूर करवा दूंगा, आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या होगा, ये रहा 35 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, एक वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना आपका है 3850 वर्ग मीटर है, इस प्लॉट की परिधि क्या होगी। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन ये भी है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ, फिर भी कोई नहीं। आपका क्या है, देखिए वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 3850। ठीक है, तो बोले कि इस प्लॉट की परिधि क्या होगी, परिधि तो आप तब ना, सॉरी दिख रहा है आपको, ये देखिए दिख रहा है, प्लॉट तो आप तब निकालेंगे ना, प्लॉट आप तब निकाल सकते हैं जब आपको क्या आर पता हो, रेडियस आपको पता हो। तो चलिए सबसे पहले रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये पाई का वैल्यू 22/7 इधर आएगा तो उलट जाएगा, तो 3850 इंटू 7/22। ठीक है, 11 से कटेगा, देखिए 11 दुगुने 22, 11 से कटेगा 11 33, 11 25 55 और यहाँ पर 0, फिर ये 2 से कटेगा कितने बार में, 1 2 = 2, 2 × 14 2 × 5 = 10, 175 गुना 7 बराबर में देखिए कितना हो जाएगा, अच्छा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 175 गुना 7 यानी हो जाएगा 1225, कितना हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर टू कितना हो जाएगा, ये 35 का स्क्वायर है, तो बस 35 आर स्क्वायर टू कितना निकल गया, 35। जब आपका आर स्क्वायर टू 35 आ ही गया तो क्या आप क्या निकालने के लिए बोला है आपको, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में, अच्छा प्लॉट की परिधि क्या होती है, परिधि नहीं निकाल सकते, आसानी से परिधि निकाल सकते, परिधि बराबर हो जाता है आपका क्या, 2πr। ठीक है, तो r का वैल्यू तो आपको पता हो गया और पाई का वैल्यू तो 22/7 होता ही है। अब रखिए, चलिए मैं एक रख के दिखाता हूँ यहाँ पे, तो 2 × 22/7 गुना r यानी क्या 35, 7 × 5 = 35, आगे सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा, 5 × 10 और 10 × 22 मतलब 220। ठीक है, 220 क्या मीटर, यूनिट क्या था इसका, मीटर था। देखिए किस ऑप्शन में है, तो 35 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस जो भी मैंने अभी कराए समझ में आए होंगे। ठीक है, देखिए मैं हर रोज़ इस तरह का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं एक वीडियो अपलोड करता ही हूँ, अगर आपको इस ढंग के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ईजी सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि क्या हो हर रोज़ का वीडियो आपको टाइमली मिल सके। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।